हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि वे बहुत ही जो आपके ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें एक तरह से आपकी मान लो ग्रामर की जान होती है। तो टेंस, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये बहुत ही मतलब एक तरह से पकड़ रखते हैं अपनी ग्रामर के ऊपर। और जिसे ये जो टॉपिक आ जाते हैं वो एक तरह से हाफ से ज़्यादा, हम जिसे कहें 50 से ज़्यादा अपनी कैप्चर ग्रामर के ऊपर रखता है। तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ये रूल याद रखना है कि इसमें जो भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव वाला पोर्शन होता है उसमें हमेशा आपको टेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपकी टेंस क्लियर है, मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि अगर आपके टेंस क्लियर हैं तो आप ये मान लो कि आप बहुत मतलब वो टेंस आपके ग्रामर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं कि हर टॉपिक में हमें टेंस की ज़रूरत होती है। जो हमारा एक्टिव वाला पार्ट होता है वो टेंस से रिलेटिव होता है, उसमें टेंस के जो हमारे जो जैसे प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट सिंपल है, तो ये वाला पोर्शन हमें एक्टिव में मिलते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब की जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास से होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और फिर हमें जब उसमें पैसिव में चेंज करते हैं तो वो हम किस तरह से चेंज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। एक बात और आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हमेशा पैसिव में चेंज करते इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। ये अगर आपकी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट नहीं करते हो तो ये बहुत ज़्यादा वाली मिस्टेक आप यहाँ पे मान सकते हो। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, आप देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और या फिर आपको एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नजर आएगा। ये स्ट्रक्चर हमारे पास होता है तो हम पैसिव में चेंज करते समय, आपको ये ध्यान में रखना है, पैसिव में चेंज करते समय ये वाला पोर्शन है आपके पास तो वो हमें ये एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। ओके, जो सेकंड है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ध्यान में रखना, हम जो टेंस पढ़ते हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसकी जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर होता है वो हमारा इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी होता है। और जब हमें ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा पैसिव का वो इज एम आर प्लस बींग। ध्यान में रखना, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हो तो बी के साथ आई एन जी एड कर देते हैं एंड देन वर्ब की फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ओके, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज एंड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपने टेंस पढ़े हैं अच्छे से पढ़े हैं क्लियरली आपको आती हैं तो आपको ध्यान में होगा कि स्ट्रक्चर नहीं आते हैं तो एक बार आप मेरे विजिट को चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर एग्जाम के लिए आपके पास टाइम कम है तो आप उसके मैंने शॉर्ट फॉर्म भी डाल रखे हैं, टेंस को समझने की मैंने शॉर्ट फॉर्म डाल रखे हैं, उसे जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हैज है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज होता है। फिर है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में आपको पता है डिड जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, क्योंकि आपको पता है डू और डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर हम ये सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान में रखा कि हमें कौन से किस में चेंज करना पड़ेगा, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है और ऑलरेडी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब की जो स्ट्रक्चर है टेंस पढ़े हैं आप, उसमें देखा होगा वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आई एन जी, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो आई एन जी फॉर्म है ये हमारे बीइंग में चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपको टेंस ध्यान में अच्छे से हैं और इसके रूल्स आपको ध्यान में होंगे तो आप एक्टिव पैसिव का वो काफ़ी इजीली से चेंज कर पाएंगे। फिर हमारा है कि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखना,
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है एंड प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्बी थर्ड फॉर्म होता है. ओके एंड फिर हम इसमें ओनली सिर्फ आपको बीन ऐड करना होता है. जैसे हमने इसमें बीन ऐड किया है वैसे हमें इसमें बीन ऐड करना होता है और वही सेम एज वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है एज यूजुअल पेशी में चेंज होती है. फिर है फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में इसका जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर वो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जब हम इसमें चेंज करते हैं पेशी में चेंज करते हैं तो विल शैल प्लस बी ध्यान में रखना ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर बी हमें राइट करना है. फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसकी पेसिव नहीं बनती है. ओके फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल है शैल है और फिफ्थ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो इसमें विल हैव विल और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा पेसिव का. अगर आपको पैसिव सीखने हैं तो ये स्ट्रक्चर तो आपको डेफिनेटली याद करना ही पड़ेगा आपको माइंड में इनको बिठाना ही पड़ेगा. फिर है मॉडल. अगर आप ना मॉडल अगर आपको आते हैं तो इसमें देखो कि मॉडल में के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं बी ऐड करते हैं एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. फिर एक और होता है जैसे मॉडल परफेक्ट आ गया. मॉडल परफेक्ट आ गया उसमें जैसे हमें कौन सा क्या मिलेगा मॉडल मिलेंगे उसके साथ हमें हैव मिलेगा है पता ना परफेक्ट में आता है तो विल हैव या शैल हैव कुड हैव शुड हैव मस्ट हैव ये होगा. और फिर जब हम इसमें पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें बी ऐड कर देंगे. ओके समझ में आ गया हो गया आई थिंक आप लोगों को. और फिर हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे. ये है हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का टेंस वाला फॉर्मूला. ये आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे चाहे किसी भी तरह से ध्यान में रखो और काफ़ी इजी है एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. अब मैं ये आपको एक बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको इसमें एग्जाम्पल्स है वो आपको बता देती हूँ. जैसे वी अकम्पल्स अवर वर्क. अब हमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट. आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है आपके पास सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है अब हम इसमें ये देखते हैं हमारे फर्स्ट जो एग्जाम्पल उसमें हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है हमारा वी और ये जो अकम्पल्स है ये है हमारी वर्ब पता है ना ई एस लगा हुआ है इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट सिंपल वाला सेंटेंस है. और आवर वर्क क्या है हमारा है ऑब्जेक्ट. ओके अब हमें मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा पेशियो में चेंज करते समय उसे हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो आवर वर्क हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है हम इसे सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे. देखो मैंने यहाँ टोल राइट कर रखा है आवर वर्क. फिर आप कंपल्सन ये एस वाला पोर्शन एस लगा हुआ है मैंने आपको बताया था एस रेस किस में आते हैं प्रेजेंट सिंपल में आते हैं और जब हम इसे पेशियो में चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग आवर सब्जेक्ट हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं. तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम इज राइट कर देते हैं. हमारा आई होता तो हम एम राइट कर देते प्लूरल होता तो हम आर राइट कर देते तो हम यहाँ पे इज राइट करेंगे. और अकम्पल्ड मैंने कहा था वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है. देखो जब भी हम इसे पेशियो में चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हमने इसमें ई डी राइट कर दिया है. एंड देन फिर हमारा जो रूल होगा वो होगा कि जो हमें जो भी सब्जेक्ट मिलता है उसे हम बाई लगा कर ऐड करते हैं. ये मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ जो भी सब्जेक्ट होगा वो बाई लगा कर यहाँ पे ऐड होगा. जिस जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसे हम बाई लगा कर ऑब्जेक्ट बना देंगे. तो मैं यहाँ पे हाँ ऑब्जेक्ट बना देती हूँ इसे बाई लगा कर ऑब्जेक्ट बना देंगे. अब इसमें एक चीज और है जैसे अगर यदि हेल्पिंग वर्ब सॉरी यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए. सपोज करो आप एक्टिव पैसिव बना रहे हो और हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन है तो आप उसे किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे. तो सीधा सा फंडा इसका है जिसके साथ भी प्रीपोजिशन लगी हुई है हम उसी के साथ उसे रख देंगे. ठीक है सो सिंपल. सी लिसन टू रेडियो. अभी एक मेरे पास एक क्वेश्चन है सी लिसन टू रेडियो तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हमने ये देखो बना दिया.
अब हमने आपको पता है सीएस लगा हुआ, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इज एमआर हमें पैसिव में करना है तो इज एमआर लेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है सो हम यहाँ पे इज लेंगे। और लिसन, लिसन क्या है, जो वर्ब है वर्ब हमारी हम किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में, तो लिसन हो गया है। अभी टू किसके साथ है, लिसन के साथ है ना, तो हम इसी के साथ ऐड करेंगे इसको, आपको अदर जगह रखने की जरूरत नहीं है, जो जिसके साथ होगा हम उसी के साथ ऐड करेंगे। फिर मैंने कहा बाई है तो बाई बनाकर सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो सी इसमें सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे बाय लगाकर हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जो ऑब्जेक्ट आपको पता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है, दे का देम होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, तो आई थिंक ये ऑलरेडी आपको पता होंगे। अब एक और देख लेते हैं इसका फटाफट, हमें सी इज टू लिसन टू रेडियो, तो रेडियो इज टू, अब देखो हाँ एक बात हो रही है, जो जिसके साथ होगा हम उसी के साथ ही ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये टू हमने ऊपर देखा कि वर्ब के साथ टू था, टू प्रीपोजिशन था, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ भी प्रीपोजिशन है, ये क्या बात हुई भाई। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, तो मैंने ये आपको यही कहा था कि जो जिसके साथ होता है हमें उसी के साथ ही लिखना है। अब यहाँ पे इज एम आर है हमारे पास ऑलरेडी, इज एम आर होगा तो हम वी राइट करेंगे वहां पे, ओके। तो यहाँ पे रेडियो है, इज टू ऐसे कैसे राइट कर देंगे, देन हम वी राइट करेंगे ओके। फिर लिसन टू वही वाला टू, और बाय हर ओके। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे वाले सेंटेंस हमने देख लिए हैं, अब हम दूसरा वाला नोट देख लेते हैं इसका, ये बाकी के ऊपर जो मैंने एक्सरसाइज डाल रखी है आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब हम इस सेकंड वाला जो नोट है वो मैं पढ़ती हूँ, देखो यदि एक्टिव वॉइस में निम्न में से कोई वर्ब है तो पैसिव में बाय के साथ पर निम्न प्रीपोजिशन लगता है। एक बात और समझने वाली बात है, अगर मैंने ऊपर कहा कि बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं, बट यहाँ पे सेकंड नोट में क्या दिया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें उसके साथ प्रीपोजिशन में बाय यूज नहीं करते हैं, तो वो वर्ड कौन कौन से हैं, वो वर्ब है ये, जैसे वंडर है, सरप्राइज है, अमेज है, एस्टोनिश है, इनके साथ होते हैं एट, और अल्यूर है, अट्रैक्ट है, इनके साथ है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, इनके साथ होता है एट, नो है, ओब्लिक है, सेटिस्फाई है, प्लीज है, सॉरी नॉन और ओब्लिक के साथ होता है टू, और सेटिस्फाई और प्लीज के साथ होता है विद, कंटेन और इंटरेस्ट के साथ होता है इन, एंड मेरी के साथ होता है टू या विद, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसके थोड़ा प्रीपोजिशन इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल बाकी का आप देख लेना। जैसे अब इसका हिज बिहेवियर अमेज्ड अस, कि हमारे लिए उसका बिहेवियर क्या है, अमेज्ड है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, हिज बिहेवियर ये सब्जेक्ट है, अमेज्ड इसकी वर्ब है, और अस इसका ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे वी, और देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हम वाज वर्ब लिखेंगे यहाँ पे, फिर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो यहाँ पे वर्ब होगा एंड अमेज्ड आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अमेज्ड के साथ मैंने क्या बताया है, अमेज्ड के साथ ये देखो, अमेज्ड के साथ मैंने यहाँ पे बताया एट, तो अमेज्ड के साथ हम क्या राइट करेंगे, एट, हम बाई नहीं लिखेंगे अब, और हमारा जो सब्जेक्ट वो क्या है, हिज बिहेवियर, और ये हम यहाँ पर राइट कर देंगे ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और यही सेम है जिनके साथ है। अब देखिए यहाँ पे कंटेन जो है, कंटेन माई पर्स सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे फाइव रुपीज नोट है, यानी ₹5 का नोट है, ये सब्जेक्ट है, हमने राइट कर दिया ओके। कंटेंस एस, सॉरी एस लगा हुआ है, सो हम यहाँ पे इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राइट कर देंगे, इज राइट कर दिया। कंटेंस ये इसकी वर्ब है, हमने ईडी लगा के इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी है। फिर कंटेंट किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज में होगी, इन, देखो यहाँ पे मैंने राइट किया था, यहाँ पे इसके साथ होगी इन, हमने इन राइट किया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था, माई पर्स था, तो हम मैंने यहाँ पे इसको माई पर्स ऑब्जेक्ट बना दिया ओके। अब मैं एक इसी के साथ अपने एक्टिव पैसिव का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बाकी का बचा हुआ पोर्शन है वो मैं जल्दी लेके आऊंगी, और मुझे आप इस फर्स्ट पार्ट को देखकर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा, और बाकी के मुझे लाइक करके और मुझे मोटिवेशन करते रहें ओके। बाय बाय गाइज।